एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। कौन कौन सी कोर्सेज हैं, कौन सी टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करती हैं, इसकी कट ऑफ क्या होगी और कौन कौन से टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हो, तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आपके सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो लोग भी नए हो, पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हो, वो तो खास कर आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी आपके काम की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आने वाली हूँ। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों का जो सबसे ज़्यादा रहता है कि ऐसे कौन कौन से कॉलेजेज हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है, मतलब प्लेसमेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा हो, तो वो आपकी टॉप प्रायोरिटी रहती है। तो यहाँ पे मैं कुछ कॉलेजेस के नाम लेकर आई हूँ जिसमें प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें एक तमिलनाडु यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो एक सबसे पहले आपका है ITM यूनिवर्सिटी जो कि ग्वालियर में है, ऑलमोस्ट 10 लाख पर एनम के आसपास यहाँ पे प्लेसमेंट होती है। रामा यूनिवर्सिटी है कानपुर में जहाँ पे 8 लाख के आसपास होती है। भरत यूनिवर्सिटी है, इस यहाँ भी 8 लाख के आसपास है। VIT वेल्लोर है, यहाँ भी 8 लाख के आसपास है, जो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा आप मान के चल सकते हो। इसके बाद है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक्चुअली इसे पहले ही रखना चाहिए था। तमिलनाडु यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होती है, मतलब BHU में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट होते हैं, तो मैंने खुद भी देखा है, तो मैं एक्सपीरियंस के साथ बता सकती हूँ कि हाँ भाई, वहाँ पे प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो आप BHU अपना टॉप प्रायोरिटी पे बना सकते हो। हाँ, बस यहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। जैसे अगर लास्ट टाइम बोले BHU में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको कम से कम 500 मार्क्स लाने होंगे। 512 तक जनरल का एडमिशन हुआ था लास्ट, ठीक है, 512 नंबर तक। क्या कट ऑफ थी लास्ट टाइम की, ये वीडियो पड़ी हुई है एग्रीकल्चर प्लेलिस्ट में, अगर आपने प्लेलिस्ट विजिट नहीं किया है तो काइंडली विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो लास्ट ईयर के कट ऑफ से लेकर एडमिशन प्रोसेस सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप उसे देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ, इस बार क्या चीज़ें होने वाली हैं। वैसे आगे आने वाले समय में मैं इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। इसके बाद है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी प्लेसमेंट अच्छा होता है। फोनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ पे भी होता है, ये प्राइवेट है। अमृता स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विज्ञान यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस, ये सभी ऐसे कॉलेजेस, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होती हैं, जिसमें मैंने बता दिया आपको। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अगर बात करो तो तमिलनाडु यूनिवर्सिटी और दूसरा आता है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होती हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारी और भी वीडियोस इसके ऊपर लाई हुई है, जैसे एक टॉप की हमारी वीडियो है BSc एग्रीकल्चर एंड ऑल जॉब, मतलब प्लेसमेंट की तो बात कर ली, लेकिन कहाँ कहाँ जॉब हो सकता है, आप क्या क्या कर सकते हो, BSc एग्रीकल्चर करने के बाद क्या क्या संभावनाएं हैं, इसके ऊपर ये वीडियो पड़ी हुई है। प्लेलिस्ट में टॉप पे ही देखोगे आपको मिल जाएगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम की वीडियो है। अब बात कर लेते हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़। देखो, ये 2020-21 जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ ICAR ने एक्चुअली 93 यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट में शामिल किए थे, और उसमें टॉप में सबसे पहला आया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो कि बेंगलुरु में है, ये टॉप पे आया था, ठीक है, और अभी भी यही टॉप पे चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, यहाँ पे बागवानी, फल सब्जी या बहुत सारे, मतलब स्ट्रेटजी, एंटिसिपेटरी, बहुत कुछ यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो टॉप पे आपका आ गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, मैंने बताया प्लेसमेंट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है। ये आप इसका इमेज देख सकते हो, ये ICAR का एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, और ये ICAR के टॉप कॉलेजेस हैं, ध्यान देना। यहाँ पे मैंने इंडिया के टॉप कॉलेजेस नहीं बोले, ICAR के टॉप कॉलेजेस बोले। इंडिया में टॉप पे अगर बात करो तो सबसे पहले आपका आता है तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका डेयरी मैनेजमेंट है, IARI है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ है, पंजाब यूनिवर्सिटी है। तो ये सब टॉप 5 की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। यहाँ मैं बता दूँ ICAR के अंडर कौन कौन से टॉप के 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा है आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि NGBPGR जिसे हम कहते हैं, NBPGR नई दिल्ली में है, और ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, आप देख सकते हो NBPGR, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये भी काफ़ी अच्छा ICAR का कॉलेज है।
जब भी आप ICAR में प्रेफरेंस लिस्ट में भरोगे तो ये सारी चीज़ों में मैं आपकी काफ़ी हेल्प करूँगी, जो भी कोर्सेज आप सिलेक्ट करोगे उन सभी में। इसके ऊपर हमारी पेड काउंसलिंग भी हम मैंने इस बार से स्टार्ट की है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही मिनिमम फी पे। व्हाट्सएप नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, वहाँ से आप जुड़ जाओगे और सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ प्रोवाइड की जाएंगी, प्लस मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगला है आपका फोर्थ नंबर पे सेंट्रल मरीन फिशरीज टेक्नोलॉजी CIFT जो कि कोच्ची में है। ये आप इमेज देख रहे हो कितना प्यारा सा खूबसूरत सा कैंपस है इसका, सेंट्रल साइंस सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे CSIR आप कहते हो, करनाल में है और ये भी बहुत अच्छी कॉलेज है, बहुत ज़्यादा अच्छी कॉलेज है। आप इसको देख सकते हो, ये है ICR सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि करनाल में स्थित है। इसके बाद अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो कि हैदराबाद में है, तो आप इसे भी अपनी टॉप प्रायोरिटी में रख सकते हैं। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली ये आपका दिल्ली में है, कटक में भी है और मतलब इसके अलग अलग ब्रांचेज हैं राइस NRRI का, और ये विद्याधपुर में है, कटक में है, उड़ीसा में है, अलग अलग जगह पे है, तो आप जहाँ के भी चाहो वहाँ के चूज कर सकते हो। जब आप चूज करोगे तो उस समय आप ये देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत इसका कैंपस भी है। अगला है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि शिमला में है, बहुत ही खूबसूरत है। ऑब्वियसली शिमला ऐसे ही खूबसूरत जगह है और वहाँ पे अगर इसको बोला जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कैंपस है, तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ICR का कॉलेज है। अगला 9 नंबर पे है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर या एक्वा कल्चर जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, तो आप इसे भी चूज कर सकते हैं। अगला है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर और ये हैदराबाद में है, तो आप देख रहे हो हैदराबाद के दो तीन कॉलेजेस हैं, उसके बाद उड़ीसा का हो गया और प्लस आपका दिल्ली का कॉलेज है, तो ये सभी टॉप 10 कॉलेजेस हैं ICR के जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ICR में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट 70+ कॉलेजेस हैं और सीट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो क्योंकि काउंसलिंग अब स्टार्ट होगा तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे, इसके लिए मैं ये सारी वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ। और इस तरह के वीडियो सीरीज ऑफ वीडियोज़ आएंगी जिसमें मैं सारे कोर्सेज के लिए, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से कोर्सेज है पहले वो मैं बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उन कोर्सेज में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो, और उसके बेसिस पे एक आपकी प्रेफरेंस लिस्ट रेडी हो जाएगी और इससे इससे आपको काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। जो लो स्कोर वाले बच्चे हैं या हाई स्कोर वाले बच्चे हैं वो कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें सारा स्ट्रेटजी मैं बताने वाली हूँ अपने आने वाले वीडियोज़ में। अगला है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपका कैंपस का पिक्चर देख रहे हो आप। अब बात कर लेते हैं कि कोर्सेज अंडर BSc कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने उन कोर्सेज को पहले रखा है जो बच्चे नहीं जानते हैं। जनरली हम क्या सोचते हैं, BSc एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करना है हमें, एग्रीकल्चर में जाना है, BSc एग्रीकल्चर करना है, बस इतना ही बच्चे जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं कि इसमें और भी कोर्सेज हो सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं इसमें, तो इसमें है आपका एंटोमोलॉजी, आप एंटोमोलॉजी से BSc कर सकते हो, सॉयल साइंस से BSc कर सकते हो, एग्रोनॉमी से कर सकते हो, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, प्लांट फिजियोलॉजी है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है, फिशरीज जेनेटिक्स प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चरल मटेरियोलॉजी, एग्रीकल्चर हेरिटेज, इंडियन रूरल सोशियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर टेक्नीसियन है, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री है, बायोकेमिस्ट्री है, और टॉप के ये सारे कॉलेजेस मतलब कोर्सेज तो हैं, जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, BSc एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट है, और एक और नया कोर्स पिछली बार से आ रहा है BSc इन फूड साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, क्रॉप प्रोडक्शन, सेरीकल्चर, तो ये देख रहे हो कितने सारे इसमें कोर्सेज हैं, सिर्फ एक ही कोर्स नहीं है BSc एग्रीकल्चर। तो BSc एग्रीकल्चर में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगी, और इस तरह के एक सीरीज ऑफ वीडियोज़ आएंगी आपके लिए जो आपको बताएंगी कि कट ऑफ क्या होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलो कि हमें BSc फिशरीज़ करनी है, तो फिशरीज़ आप किन किन कॉलेजेस से कर सकते हो, उसके लिए आपका कट ऑफ क्या होना चाहिए, और क्या आपको
आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर वीडियोस मैं लेकर आऊंगी। तो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग वीडियोस आएंगे। तो देख रहे हो आप इतने सारे कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज के लिए पूरे जून जुलाई तक, जब तक कि आपका काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो जाता है, उससे पहले इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत सारी वीडियोज मैं लेकर आने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए आने वाली हैं। आप किस कोर्स में जाना चाहते हो, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा आप और क्या चूज करना चाहते हो? फॉरेस्ट्री, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर या हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, आप क्या चूज करना चाहते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। हम आप जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उसके, मतलब जो भी कोर्सेज पे आप ज़्यादा कमेंट आएंगे उस कोर्स के ऊपर वीडियो सबसे पहले आएंगी। सबसे पहले मैं उन्हीं कोर्सेज के ऊपर वीडियोस, उसके क्या कट ऑफ होंगे और क्या सारी चीज़ें होंगी ये लेकर आऊँगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम कर रहा होगा। अगर काम का वीडियो है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।